नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। दिस ईयर इज कमिंग टू एन एंड, येट अनदर ईयर, एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश ऑल माय व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए वर्ष का स्वागत करते हुए और पुराने वर्ष को विदा करते हुए अक्सर लोग रिव्यू करते हैं कि पिछला वर्ष कैसा रहा और एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला वर्ष कैसा रहेगा। आज ये सब सोचते हुए मुझे लगता है पिछले 10 वर्ष में मेरी आयु 20 वर्ष बढ़ गई। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि जो भारत मैंने आज से 10 वर्ष बाद एक्सपेक्ट किया था वो तो मैं आज ही देख रहा हूँ। आज मैं भारत को जिस स्थिति में देख रहा हूँ वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। विदेशी टूर के बाद जब भी कभी मैं लौटता था हर बार यही सोचता था कि ये भारत कब साफ होगा। और देखिए, स्वच्छ भारत अभियान शुरू हो गया, ओपन डेफिकेशन ख़त्म हो गया। कभी सोचा नहीं था कि 370 हट जाएगा, वो 370 हट गया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। चीन से हम टक्कर लेंगे, कभी सोचते नहीं थे, तो गलवान हो गया। और पाकिस्तान को पलट के चाटा मार देंगे, ये दिल में हमेशा तमन्ना रही पर होता नहीं था। तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। इस बीच डिमोनेटाइजेशन जैसी चीज़ देख ली, इतने बड़े देश में 140 करोड़ लोगों के बीच पैसा गायब हो जाए और देश में बवाल ना हो, ये भी देख लिया। सब लाइन में खड़े रहे एटीएम की, लोग अखबार वाले कितने लोग लाइन में गिर गए मर गए उसकी खबरें बनाते रहे, फिर भी कोई बवाल नहीं हुआ। कोविड जैसी महामारी से 140 करोड़ लोगों को 3 दफ़े वैक्सीन लग गई। तो जो वो टेक्निकल मैनेजमेंट हुआ ऑफ कोविड वैक्सीनेशन वो अपने आप में बेमिसाल था। और UPI का चमत्कार देख लिया। आपको सब्जी खरीदनी हो, जूते पॉलिश कराने हो, तो जेब में पैसा रखने की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। अभी हाल ही में मैं इंग्लैंड में था, मुझे लगता है कि इस मामले में UPI पेमेंट्स के मामले में एंड ईज़ ऑफ पेमेंट के बारे में मामले में हम लोग कहीं आगे निकल गए। और फिर बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जिस तेज़ गति से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है हमारे देश में, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, सोच ही नहीं सकते। पिछली सरकारों की आदत थी हमें 30% सरकार खा लेती थी, सरकार के बाबू, और 30% फिर ठेकेदार भी खा लेता था और बाकी 30-40% ग्राउंड पर पहुंच पाता था, और उसमें भी सब खा पी के 20% ही एक्चुअल एसेट क्रिएट होता था। तो सोचिए, अब अगर 100% जा रहा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में तो अगले 5 गुना उसका डेवलपमेंट हो गया, तो वो 10 के में तो वो तो 20 साल आगे चले गए हम। उसी बजट में जितना काम होना था आज उससे कई गुना ज़्यादा हो गया। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जो मैं 10 साल बाद देखता अगर वो मैं आज देख रहा हूँ तो मेरी उम्र 10 साल बढ़ गई। इस उम्र में पहुँचते पहुँचते मैं पेसिमिस्ट हो गया था, पर अब मैं 10 वर्ष और जीना चाहता हूँ। 10 वर्ष और मैं मोदी जी को PM देखना चाहता हूँ, तो हो सकता है मैं वो देख सकूँ जो मैं 100 साल की उम्र में देखता। जीवेत शरदे शतम। आपकी उम्र कितनी बड़ी इस दौरान आप भी बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू, गुड बाय।